सरस डेयरी के समीप पुरानी रंजिश के चलते तीन वाहनों से आए हमलावरों ने युवक को घेरा, हमला कर हाथ पैर तोड़े, कार में भी करी तोड़फोड़। होटल पर खाना खाने के बाद कार से लौट रहे जोधड़ास के एक युवक को तीन कारों से आए हमलावरों ने घेरने के बाद तलवार व सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक का एक हाथ व दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पीड़ित की कार भी तोड़ दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित करीब आधे घंटे तक रोड पर तड़पता रहा, जिसे पहले जिला अस्पताल में वो बाद में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। सदर थाना पुलिस के अनुसार जोधड़ास निवासी रामजस पुत्र मग्निराम गुज्जर ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सदर थाना पुलिस को रात करीब 1:45 बजे बयान दिए कि वह 28 दिसंबर को रायपुर के मुकेश सालवी के साथ सरस डेयरी फिरंगी होटल से खाना खाकर अजमेर तिराई की तरफ जा रहा था। इस बीच सरस डेयरी के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप कुछ लोगों ने तीन गाड़ियां बोलेरो, वर्ना व ब्रेजा उसकी कार के आगे पीछे लगा दी। इसके बाद परिवादी की शिफ्ट के कांच तोड़ दिए, तलवार व सरियों से रामजस पर हमला कर दिया। इससे उसके दोनों पैर व एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। गंभीर मारपीट के बाद पीड़ित को रोड पर छोड़कर हमलावर फरार हो गए। रामजस करीब आधे घंटे तक रोड पर तड़पता रहा। इसके बाद राहगीरों ने उसे गाड़ी में डालकर महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। रामजस ने बयान में बताया कि उसके साथ मारपीट करने वालों में गोपाल गुज्जर HBS जीपिया खेड़ी, विनोद गुज्जर जोधड़ास मुख्य आरोपी थे। आरोप है कि यह पूरी गैंग लेकर परिवादी के साथ मारपीट करने आया था। इनके साथ 15 से 20 लोग अन्य भी थे। अन्य आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। पीड़ित के इस बयान पर सदर थाना पुलिस ने अपराध धारा 143, 341, 323, 308, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए हमलावरों की तलाश कर रही है। वहीं सदर थाना प्रभारी का कहना है कि हमलावरों में शामिल विनोद नाम के एक युवक पर करीब 5-6 महीने पहले सुभाष नगर थाना इलाके में छोटी पुलिया के पास रामजस ने चाकू से हमला किया था। इसी को लेकर इनके बीच आपसी रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते रामजस पर यह हमला किया गया। मीणा ने बताया कि रामजस इस मामले में जेल में रहा। करीब 2-3 माह पहले ही वो जेल से बाहर आया था। मैं बिलोड़ा जा रहा था मेरे दोस्त को छोड़ने, तो अपने जोड़ा चौराहे से जस्ट आगे पेट्रोल पंप के सामने तीन गाड़ियां आती है, उसमें से बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार, मेरी गाड़ी स्विफ्ट के टक्कर मरी है। और उसके बाद मेरा साथ वाला था जो वो बोल रहा है कि फायरिंग भी की उन्होंने और तलवार और सरियों से जानलेवा हमला किया मेरे पे। और 15 जने थे। इन कौन कौन थे किसी को जानते हो? एक तो विनोद गुजर था और एक बनवारी, एक रमेश सर, और HBS की गाड़ी थी बोलेरो जिससे टक्कर मारी HBS गैंग की। किस बात को लेकर मारपीट की आपसे? पता नहीं, मैं तो जा रहा था मार्केट में और पता नहीं आगे अचानक हमला कर दिया। हथियार क्या क्या थे? हथियार तलवार और मेरे साथ वाला बता रहा है कि पिस्टल से फायर किया स्टार्टिंग में तो, और फिर तलवार और सरियों से जानलेवा हमला किया। थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ करवाया मैंने सदर में। रामजस।